दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें विनय नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विनय अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। विनय के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजरा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विनय को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। विनय को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विनय को पढ़ा पाए। विनय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विनय अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। विनय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विनय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने विनय से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विनय पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विनय को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विनय के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विनय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विनय का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। विनय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विनय को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई की आवाज भी न निकले और सुबह विनय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और विनय को आशीर्वाद दिया, और जब विनय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। विनय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। विनय को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विनय के पिता की जिंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वह जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विनय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी साथ पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। विनय की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब विनय कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने विनय से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है, तुम कभी किसा का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त किताब ही खराब हो, हम उसे बदल जरूर सकते हैं।
माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। इस इमोशन कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे विनय के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है, तब उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत और त्याग लगता है। जब हम दो मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं, तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को बुरा भला कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत और त्याग के बारे में जरूर सोचे। धन्यवाद।